स्वैच्छिक राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में टीबी फोरम की बैठक आयोजित हुई। बैठक में टीबी रोग के जन जागरूकता, टीबी की जानकारी, टीबी रोगियों की खोज और टीबी को समाप्त करने के बाद रोगियों पर निगरानी रखने के लिए विशेष चर्चा किया गया। बैठक में सहजन की विशेषता के बारे में बताया गया कि सहजन का पेड़ न्यूट्रिशन डायनामाइट है जो किसी को भी कुपोषण से बचा सकता है। सहजन के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग से टीबी की बीमारी से बचा जा सकता है और इसके लगातार प्रयोग से व्यक्ति स्वस्थ रहेगा और बीमारी से दूर रहेगा। बैठक में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर मिश्र, डब्ल्यूएचओ कंसल्टेंट डॉक्टर उमेश त्रिपाठी, डॉक्टर एपी गुप्ता, डॉक्टर सुनील सिंह, मयंक श्रीवास्तव, एमए बेग, डॉक्टर विराट स्वरूप, एएन मिश्रा, जिला क्षय रोग विभाग के डॉक्टर और स्टाफ मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एचके शर्मा और जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा ने कहा, जाएगा बेटा लेकिन मैं दवा तो नहीं खरीदा, सर्वाइव पाई था सेपरेट हेल्थ, तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ सभी को, लेकिन आप जांच कराइए, जो एमडीआर मरीज आप खाइए जिसके पॉकेट अलाउ करे उनको 6 महीने के पहले दवा नहीं बंद करनी, एक मैसेज ही जाना चाहिए सर। सर कोई 6 साल से छोटा बच्चा है उसमें प्रोग्राम प्रोविजन कर रहा है कि एडिशनल दवा दे करके जिससे उसमें टीबी ना हो, जिससे कि टीबी का लॉजमेंट उसके शरीर में नहीं होता और फ्यूचर में वो टीबी डेवलप नहीं करता है। टिशु के पास जा रहे हैं, घूम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टीबी केयर या स्टैंडर्ड ऑफ सो आफ्टरिंग एचआईवी टेस्टिंग ड्रग ससेप्टेबिलिटी टेस्ट, ये जो टीबी नोटिफिकेशन अभी 19 मार्च को आया है, उसके अंदर जानकारी हो कि मरीजों के भलाई के लिए वो सूचना देना सुनिश्चित करें, जैसे टीबी फ्री सिटी एक्टिविटी, प्राइवेट हेल्थ प्रोवाइडर सर और भी हैं, यूनियन के अक्षय प्रोजेक्ट्स के द्वारा काम चल रहा है 2 मिनट का, और अगर ये जिला कमिटमेंट का भी तो इलेक्शन का मूड होगा क्या होगा सभा के, या चाहे इसमें अर्बन एरिया में सब हम वार्ड मेंबर हैं उनको ही जिम्मेदारी दे दी जाए, बस केवल आपने रजिस्टर किया उसमें से कितने लोग ठीक हो गए, लोगों को एक विश्वास और ट्रस्ट मीडिया में बता दिया है, बहुत लोग तो दूध में प्रोटीन की मात्रा पत्ते में 2 गुना ज्यादा, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन बी के का तो इस तरह से यूज करना है वो जाएगा कि मतलब जहां प्रॉब्लम है वही सोल्यूशन है। तो ये आप फिगर आप देख सकते हैं यहां पे, और ये हमारे एक पेशेंट हैं जिनको हम अभी टीवी पे और उनको बता सके। सहजन के पौधे को अगर हम देखें तो न्यूट्रिशन डायनामाइट है वो, और इसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो किसी को भी कुपोषण से बचा सकता है, और जो टीबी का बीमारी होता है वो जाहिर सी बात है कि उसकी इम्यूनिटी कम होती है तो बीमारी लगती है। इसमें अगर हम सहजन को प्रयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा तो पेशेंट का इम्यूनिटी भी बढ़ेगा, साथ साथ जो जिनको बीमारी नहीं लगी है उनको भी ये स्वस्थ रहेंगे और बीमारी से दूर रहेंगे। प्रयोग इसका कैसे करेंगे? इसको किसी भी तरह से प्रयोग कर सकते हैं आप, इसका लीफ पाउडर बना सकते हैं, पोर्ट्स को भून के खा सकते हैं, उसकी सब्जी बना सकते हैं, इसके छाल का रस भी इस्तेमाल किया जा सकता है, पत्तियों का रस इस्तेमाल किया जा सकता है, वो फूल की सब्जी बनाई जाती है, इस तरह से किसी भी तरह से इसका प्रयोग किया जाए जिससे ये शरीर में जाए और उसका अगर डाइजेशन होता है तो वो फायदेमंद होगा। रोज अगर कोई इसकी पत्ती खानी चाहे तो वो खा सकता है? बिल्कुल खा सकता है, इसमें बिल्कुल सेफ है। और इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो डायबिटीज़ अभी टीवी में जो बात हुआ था कि टीवी के साथ डायबिटीज़ भी होता है, तो ये सहजन में एक गुण है कि ये टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ को भी ठीक कर सकता है, और इसमें ये इस तरह की चीज़ें हैं। साथ साथ जो एंटीबैक्टीरियल कुछ प्रॉपर्टी भी हैं इसमें, बैक्टीरियल एंटीफंगल प्रॉपर्टी है जो शरीर में बैक्टीरिया और फंगस को भी हटाता है। अगर इस तरह इस चीज़ को लें तो शरीर हमारा पूरी तरह से निरोग रहेगा और बिल्कुल कम कीमत पे ये इस्तेमाल होगा, बिल्कुल कोई भी खा सकता है। यह बैठक जो है डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स फोरम टीवी के उपलक्ष में हुआ है, जिसमें पब्लिक को अवेयरनेस कि टीबी क्या है, कैसे इससे बचा जा सकता है, इसमें जो है हर डिपार्टमेंट के लोग आए थे, कम्युनिटी लेवल के आए थे, इस पर विस्तृत चर्चा हुआ। इसमें हमारे स्टेट लेवल से WHO कंसल्टेंट डॉक्टर उमेश त्रिपाठी जी आए थे और IMA के डॉक्टर साहब भी आए थे, जिस पर कि विस्तृत चर्चा हुआ, और इसमें प्रयास किया गया कि सब लोग टीबी के उन्मूलन में जहाँ तक संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें, जिससे कि टीबी के मरीज को निश्चय चिन्हित किया जा सके, उसका समय से ट्रीटमेंट किया जा सके।